हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और मैं हूं मुनीश। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है, एक चैनल है रिसर्च शाई विड्स करके, तो इनका वीडियो है। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि इस पे आप जो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी है, जीडीपी उसका कंपैरिजन है, मतलब विद इन द ईयर्स 1971 से लेके 2019 तक, आज तक का। तो उसका एक वीडियो है, इसको वो देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। इसमें ये बताया इन्होंने कि कैसे फ्लक्चुएट हुई है 1971 से लेकर 2019 तक उन दोनों की, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी कंपैरिजन है। जीडीपी पर कैपिटा भी है और नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा है और ग्रोथ रेट है परसेंटेज वाइज, जो ये तीनों के साथ कंपैरिजन किया है, साथ में पॉपुलेशन कंपेयर की है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप भी देख रहे होंगे कि 1971 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 76 मिलियन और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन थी वो 71 मिलियन, और जीडीपी देखी जाए तो बांग्लादेश की कम थी पाकिस्तान से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार। और 1974 में एकदम से बांग्लादेश ने ग्रो किया है। 1976 में बांग्लादेश बहुत नीचे चला गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, अरे ये तो खत्म ही कर दिए बिल्कुल, अब फिर से ऊपर आया। जीडीपी तो ठीक है, जीडीपी सही चल रहा है, लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन ये बांग्लादेश की 1 करोड़ पॉपुलेशन हो गई 1986 में, लगभग 20 मिलियन का फर्क है दोनों की पॉपुलेशन में अभी तक। तो जीडीपी ग्रोथ रेट काफी फ्लक्चुएट होता है ना। ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट होता है ज्यादा, ग्रोथ रेट काफी फ्लक्चुएट हुआ है इसका बांग्लादेश का। तो जीडीपी इक्वली रहता है, ये तो रिसेशन वगैरह ना आए और कुछ मतलब वैसे पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी ना आए तो ग्रोथ जीडीपी जो है वो अच्छी ही रहती है किसी भी कंट्री की। लेकिन जैसे ये पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे चला गया अभी 1998 में, ये 1998 में आपको पता होगा कारगिल वगैरह हुआ था उस टाइम, उसी टाइम के अराउंड, और फिर कम हो गया। तो उस टाइम सरकार बहुत मुशर्रफ जी की सरकार रही थी, तो सैनिक का वो था, इन ईयर्स में थोड़ा स्टेबल है, मतलब जो जीडीपी और जीडीपी स्टेबल है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, लगभग 40 मिलियन का 2000 के बाद 35 मिलियन का फर्क आ गया है, देख रहे हो, मतलब दो ही तरह लगे पड़े हैं भाई। ग्रोथ रेट बांग्लादेश का इस वक्त स्टेबल है, ग्रोथ रेट बांग्लादेश का बहुत ऊपर है और पाकिस्तान से उसका छोटा है, जीडीपी हालांकि आधी है, तो पाकिस्तान बहुत बड़ा भी है बांग्लादेश के मुकाबले, जीडीपी ऑब्वियस है ज्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल ही होना चाहिए और इक्वल है भी। ये एंड का जो वीडियो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी एंड स्क्रीन आ गई है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये एंड स्क्रीन ईयर्स का भी बताया है 2022 आगे का भी इन्होंने बताया हुआ है, तो आने वाले टाइम का भी शायद प्रेडिक्ट किया हुआ है, वो हमें क्लियर नहीं है जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट कर लिया ना 2022 में 23 में 24 क्या हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो वीडियो में मेन कंपैरिजन ही बताया बांग्लादेश और उनका इकोनॉमिकली जो कंपैरिजन है वो किया हुआ, और जो लास्ट स्क्रीन है 2024 का दिखाया इन्होंने बांग्लादेश को, जीडीपी में भी बहुत ऊपर दिखाया है पाकिस्तान की जीडीपी, लगभग मतलब उनसे आधी तो नहीं कह सकते लेकिन 70% रह गई है, और ग्रोथ रेट में भी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की बहुत ही कम है जो एंड स्क्रीन है, लास्ट स्क्रीन जो दिखती है इसकी। और एक और चीज़ की इन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि ये ना जो इनकी एंड स्क्रीन है उसमें तीन इन्होंने टाइल्स लगाई हुई, तो मिडिल वाली जो टाइल है ना उसको हटा लें क्योंकि वहाँ से हमें दिखता नहीं है एंड में कि वो कितना कैसे चल रहा है, क्या फ्लक्चुएट, क्या नंबर्स आ रहे हैं,
तो बाकी वीडियो अच्छा है, ऐसी इसी तरह के और कंपैरिजन बनाएं आप तो बहुत बढ़िया होगा, इंडिया को लेके, अमेरिका को लेके, अमेरिका रशिया का और इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ, चाइना का अमेरिका के साथ, तो हम उन्हें भी देखना चाहेंगे, आप वीडियो सजेस्ट करते रहें। चलो तो ये था वीडियो जो मेनली जीडीपी कंपैरिजन था और हमारे लिए थोड़ा सा हटके टॉपिक, तो ये सभी के लिए नहीं है वीडियो, जो जानते हैं इसको उन्हीं के लिए है मेनली, इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो इस पर रिएक्शन तो कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते हम, पर बाकी जीडीपी सभी को पता होगा कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो भी जो कंट्री है वो जो प्रोडक्शन करती है और जो सर्विसेज देती है वो कितना ग्रो हो रहा है, कितना है वो कंट्री के अंदर, उसके अनुसार उसको कैलकुलेट करते हैं, और इन्फ्लेशन भी आपको हम बताएंगे, लेकिन कभी कोई ऐसा वीडियो आएगा तो ये था हमारा इस वीडियो पे रिएक्शन, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही रिएक्शन था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और वीडियोस अगर आपके कोई फेवरेट हैं तो हमें सजेस्ट करते रहें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।